नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में, यानी कि छोटे दिवाली के बारे में। नरक चतुर्दशी सोमवार 23 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। अभ्यंग स्नान मुहूर्त जो होगा वो होगा 5:01 से 6:11 तक, और इसका जो अवधि होगी होगी 1 घंटा 10 मिनट। नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी का जो समय होगा वो होगा 5:01 पर। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर, और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 पर। अब हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी तिथि के महत्व के बारे में। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। नरकासुर के अत्याचारों से ग्रस्त इंद्र ने कृष्ण से कहा कि तुम भौमासुर वध कर डालो, और कृष्ण ने ऐसा ही किया। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली यह नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज की पूजा और उपासना भी की जाती है। जो पूजा की विधि है वो इस प्रकार रहेगी। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह के समय आटा, तेल और हल्दी को मिला करके उबटन तैयार किया जाता है। इस उबटन को शरीर पर लगा करके अपामार्ग यानी चिचड़ी जो कहते हैं कि पत्तियों को जल में डाल करके स्नान करते हैं, जो मैंने अभ्यंग जो स्नान का मुहूर्त मैंने आपको पहले बताया है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है जो इस प्रकार होती है। सर्वप्रथम एक थाल को सजा करके उसमें एक चौमुखा दिया जलाते हैं तथा 16 छोटे दीपक और जलाए जाते हैं। तत्पश्चात रोली, खीर, गुड़, अबीर, गुलाल तथा फूल इत्यादि से इष्ट देव की पूजा करते हैं। इसके बाद अपने कार्यस्थल की पूजा करें। पूजा के बाद सभी दीयों को घर के अलग अलग स्थानों पर रख दें तथा गणेश एवं लक्ष्मी जी के आगे धूप दीप जलाएं। इसके पश्चात संध्या के समय दीपदान करते हैं, जो यम देवता यमराज के लिए किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता रही है। एक और कथा इससे जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार नरकासुर पुराणों के अनुसार एक प्रसिद्ध असुर था, जिसे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न विष्णुपुत्र कहा जाता है। यह बराह अवतार के समय पैदा हुआ था, जब विष्णु भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, अतः इसे पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। नरकासुर बाणासुर की संगति में पड़ करके दुष्ट हो गया था, जिस कारण वशिष्ठ ने इसे विष्णु के हाथों मारे जाने का साप दे दिया। नरकासुर के अत्याचारों से ग्रस्त इंद्र ने कृष्ण से कहा कि भौमासुर अनेक देवताओं का वध कर चुका है, कन्याओं का बलात्कार करता है, उसने अदिति के अमृत स्वामी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और वो मेरा ऐरावत भी लेना चाहता है, उससे उद्धार करो। कृष्ण ने आश्वासन देकर नरकासुर पर आक्रमण किया और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए और अनेक दैत्यों को मार डाला। भूमि ने प्रकट होकर कृष्ण ने कहा कि जिस समय बराह रूप में आपने मेरा उद्धार किया था, तब आप ही के स्पर्श से यह मेरा जो पुत्र है ये प्राप्त हुआ था मुझे। अब आपने स्वयं ही उसे मार डाला है। आप अदिति के कुंडल ले लीजिए, किंतु नरकासुर के वंश की रक्षा कीजिए। कृष्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया तथा कुंडल जो है वो अदिति को लौटा दिए। नरकासुर के भंडार में कुबेर की संपत्ति से भी अधिक धन था और अनेक राजकुमारियां उसके बंदी गृह में बंदी थी। इन राजकुमारी को श्री कृष्ण द्वारा जो है द्वारिका लाया गया। अहंकार के कारण ही नरकासुर अपनी शक्ति, अधिकार और सारा राज्य जो है वो खो बैठा था। एक और कहानी इससे जुड़ी हुई है। रंतिदेव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्य आत्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को जो है वह नरक में ले जाना चाहते थे। यमदूतों को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें पूछा, मैंने तो कभी कोई ऐसा अधर्म या पाप नहीं किया, तो आप मुझे फिर क्यों नरक में ले जाना चाहते हैं? कृपा करके मुझे मेरा अपराध बताइए कि जिस कारण मुझे आप नरक का भागी बना रहे हैं। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर के यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण जो है वो भूखा लौटा था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा
कि वह उसे एक वर्ष का और समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुनकर के यमदूत विचार करने लगे और राजा को एक वर्ष की आयु प्रदान करके वे चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के जो निदान के लिए ऋषियों के पास गया और उसने समस्त वृत्तांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजा ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का अगर आप व्रत करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उनसे आपके जो अपराध हैं वो अपराध जो है आपके नष्ट हो जाएंगे और अगर आप उनसे क्षमा याचना करें तो आप पाप मुक्ति आपकी हो जाएगी। ऋषियों के कथन को सुनकर के राजा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष का जो है ये जो चतुर्दशी तिथि आती है उसका व्रत करने लगा। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर के भगवान विष्णु की वैकुंठ धाम को चला गया। तो ये मैंने नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो मैंने आपको बताई। आप इसी हिसाब से अपने जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से जैसा आपके धर्मानुसार आप मनाते हैं इस त्यौहार को, आप अपने हिसाब से इस त्यौहार को मनाएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार्स चैनल। नमस्कार।